वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे वाजटेबल टेस्ट के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर और उनके कुछ शॉर्टकट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रीवियस ईयर पेपर और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सचेंज दी नॉर्थ डायरेक्शन बाय ईस्ट, ईस्ट बाय साउथ, साउथ बाय वेस्ट एंड वेस्ट बाय नॉर्थ। व्हाट इज़ द लेटर एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? तो इसमें देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूछा है, तो वेस्ट बाय नॉर्थ हमें चेंज करना, मतलब क्या वेस्ट की जगह नॉर्थ आ जाएगा। और यहाँ लिखा है एक्सचेंज नॉर्थ डायरेक्शन बाय ईस्ट, तो नॉर्थ डायरेक्शन की जगह ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द लेटर एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा ये वाला हो गया, तो ये लेटर जो हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सचेंज A3 बाय B2, K2 बाय C3 एंड E4 बाय F1। तो A3 यहाँ पर है, इसको B2 से एक्सचेंज करेंगे, ओके। फिर K2 बाय C3, तो K2 यहाँ पर हो गया और C3 यहाँ पर हो गया, इसको इससे एक्सचेंज कर देंगे। फिर लिखा है E4 बाय F1, इन दोनों को भी एक्सचेंज करना आपस में और कंटिन्यू इन द सेम मैनर, मतलब इन दोनों को भी आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या कहता है, विच लेटर इंडिकेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन? तो साउथ वेस्ट हमारी ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये लेटर जो है, इसकी जगह कौन सा लेटर आता है एक्सचेंज होके, ये F1 आया था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द क्लॉक एंड मूव टू इट्स अपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर इन द क्लॉक ये रहा, फिर बोलता है मूव टू इट्स अपोजिट नंबर। तो इट्स अपोजिट नंबर, मूव लेफ्ट हैंडेडली अप टू द थर्ड लेटर। अब इसके थर्ड जाना, थर्ड लेफ्ट, तो हम इस तरफ ऐसे करके बैठे हुए फेस करके, तो थर्ड कौन सा हो गया, ये 1, 2 और 3, तो थर्ड लेटर हो गया। विच इज़ द लास्ट लेटर? तो लास्ट लेटर क्या हुआ, D2, तो इसमें 2 हमारा आंसर, मतलब बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द क्लॉक। अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर कौन सा है क्लॉक में, एस है, ओके। फिर क्या बोलता है, एंड मूव टू लेटर इन फ्रंट ऑफ इट, मूव टू लेटर इन फ्रंट ऑफ इट, ये रहा फ्रंट ऑफ इट। ट्रैवल क्लॉक वाइज अप टू द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लॉक वाइज देखिए ये डायरेक्शन होगा और स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो मतलब यहीं तक आना है। फिर व्हाट इज़ द नंबर एट द थर्ड लेफ्ट ऑफ द लास्ट नंबर? तो हम कुछ इस तरह से फेस किए हुए हैं और इसके थर्ड लेफ्ट देखना कि यही लास्ट नंबर है, ओके। तो 1, 2 और 3, तो 2 हमारा आंसर हो गया, इसका मतलब बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सचेंज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बाय नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बाय ईस्ट एंड कंटिन्यू इन द सेम मैनर। व्हाट इज़ द नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ अ डायरेक्शन विच इज इंडिकेटेड बाय द लार्जेस्ट नंबर इन द क्लॉक? तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन विच इज इंडिकेटेड बाय द लार्जेस्ट नंबर इन द क्लॉक। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर ढूंढ लेते हैं, ओके। तो लार्जेस्ट नंबर तो ये हो गया हमारा, ओके। अब बोलता है कि नंबर जस्ट अपोजिट टू द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट, ठीक है ये। तो व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर तो हमारा 2 हो जाएगा, मतलब क्या ये एक्सचेंज करने वाला जो ये पार्ट था ये बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर बी हो गया डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ रॉम्बस शेप बाय कनेक्टिंग दिस पॉइंट्स। व्हाट इज द नंबर जस्ट राइट ऑफ अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर ऑफ रॉम्बस? तो रॉम्बस का देखिए पॉइंट्स यहाँ पर सारा दिया हुआ है, क्लॉक में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट लेटर कौन सा है, तो S3 है, तो S3 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। तो व्हाट इज़ द नंबर जस्ट राइट ऑफ द अल्फ़ाबेटिकली लास्ट, तो
तो इसके जस्ट राइट में कौन सा लेटर है? ए थ्री है, तो थ्री हमारा मतलब सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ ट्राइंगुलर शेप बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स E4, A3, B2। तो कौन कौन से पॉइंट्स बोला? E4, E4 सबसे पहला पॉइंट ये रहा, फिर A3 और B2। तो A3 आपका ये रहा और B2 ये रहा। तो ये देखिए, ये साइड और ये साइड का लेंथ बराबर है, ठीक है, और ये रहा बेस, तो इसका वर्टेक्स A3 हो गया। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर एट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ नंबर विच इज अपोजिट टू द परपेंडिकुलर वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर वर्टेक्स कौन सा हो गया? अपोजिट। A3 तो परपेंडिकुलर वर्टेक्स हो गया, तो इसके अपोजिट F1 है। अब बोलता है F1 के राइट और लेफ्ट साइड में जो है नंबर, उसका जो डिफरेंस है वो आंसर होगा। तो देखिए, इसके लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 2 है, तो 1 हो गया इसका डिफरेंस, मतलब ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम F1 ट्रैवल अप टू वेस्ट वाया ईस्ट। तो F1 ये रहा, अब बोलता है ईस्ट से होते हुए, ईस्ट इस साइड है, वेस्ट तक हमें पहुंचना है। फिर विच नंबर हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दी पाथ। तो इसमें देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, तो F1 तो एक ही बार आया है, फिर 3 जो है हमारा 3 बार आया है, और 2 2 बार आया है, तो मतलब 3 का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंटियर पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट। तो देखिए, साउथ यहाँ पर है, वेस्ट ऐसे है, तो साउथ वेस्ट किधर हो गया? इस डायरेक्शन में। तो इसका फ्रंटियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मतलब इसके सामने ये E4, ओके। फिर बोलता है कि ट्रैवल अप टू K2 वाया ईस्ट, ट्रैवल अप टू K2 वाया ईस्ट, मतलब ईस्ट से होते हुए हम यहाँ K2 तक पहुँचेंगे। फिर बोलता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ। तो लार्जेस्ट नंबर तो पाथ में ये 4 हो गया और स्मॉलेस्ट 1 हो गया, तो 4-1 कर देंगे, डिफरेंस पूछा है, तो 3 मतलब सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मेक अ ट्राइंगल शेप बाय कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ E4, F1, K2, ये वाली पॉइंट। व्हाट इज द सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड नंबर ऑफ वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए, वर्टिस हमको पहले खोजना है, तो वर्टिस कौन सा होगा? ये देखिए, ये बेस हो गया, इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों बराबर है, तो मतलब वर्टिस यहाँ पर है, क्योंकि आइसोसेलेस वाला साइड यहाँ मीट कर रहा है। तो वर्टिस के लेफ्ट और राइट साइड के जो नंबर है, सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड नंबर कितना हो जाएगा? ये 3 + 2, ठीक है, तो मतलब 5। तो 5 मतलब ई इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का जो टेबल टेस्ट था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।